अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयश तारिक और आप देख रहे हैं टीएसटी लिस्ट 917। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अबू धाबी के साथ मुसफ़ा में। तो मुसफ़ा के साथ मॉल में आया हूँ, तो मॉल में आया मैंने कहा चलो भैया आपको भी सैल करवा दूँ मॉल की। तो चलो, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आयश तारिक और ये टीएसटी लिस्ट 917 में आया हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ की सेल करो। दोस्तों वीडियो की जानिब मेरे साथ कौन कौन है ये भी दिखाता हूँ और हम क्या क्या लेते हैं क्या करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। मेरे साथ हैं जानदेव भाई इधर आओ। तो मेरे साथ हैं ये जानदेव भाई, वारिस भाई, क्या हाल है, ठीक हो? ये इनको अभी 2-3 दिनों में पाकिस्तान से आए हैं। कब आए थे आप फ्लाइट आपकी पाकिस्तान से आए? 29 दिसंबर को ये पाकिस्तान से यहाँ आए थे। तो ये वारिस भाई हैं। तो मुझे लगी थी प्यास, मैंने तो ये जूस लिया है। और क्या लेता हूँ मैं बताता हूँ। लो जी लेज वाले तो लेज ढूंढ रहे थे वारिस भाई। लेज आ गई है तो वारिस भाई को लेज चाहिए थी, तो ये लेज ले रहे हैं। कौन सी लेज? सब पड़ी है इधर, देख बड़ी छोटी सब। इतने सारे लेज के फ्लेवर है भाई, पाकिस्तान में तो इतने फ्लेवर होते नहीं है। कितने फ्लेवर है, ये कौन सी लेनी है भाई? ये बड़े वाले ले लेना भाई, एक दफ़ा जूस ना गिन गिन ना जान ले लो आप ले लो। कभी सोचा जा रहा है कौन सी चीज में? वारिस भाई ले लो ये वाली। ओके जी सॉल्टेड लेने ये ले। तो ये ले ली, कौन सी दिखा ना। तो ये लिए हमने ले पकड़ो। तो ये जूस है लिया, आगे जो लेते हैं ये दो चीज़ें ले ली हैं, एक और ले आगे जो चीज़ लेते हैं आपको दिखाते हैं और यहाँ के सेल भी कराते हैं। तो एक ये ले लिया है, ये लिया है। तो ये पैसे बचे हैं, 100 दिया था उसमें से ये पैसे बचे हैं। आप अंदाज़ा लगा लो कितने खर्च हुए हैं। ये पैसे बचे 100 में से तो कितने हमने खर्च किए हैं। और ये कुछ कॉइन भी हैं, ये कॉइन भी है गिरा। तो इसलिए सुल्तान यहाँ पे मौजूद है, सुल्तान। तो सुल्तान दिखते हैं इधर, यहाँ पे परफ्यूम है। कितने का? No. यहाँ परफ्यूम है। तो पाकिस्तान की करेंसी रेट भी चेक कर लो, पाकिस्तान का, इंडिया का कंपेरिजन, ये बांग्लादेश फिलिपाइन ये सारा का रेट आ रहा है। आज का रेट है, आज तारीख है 1 जनवरी 2022। तो ये आज का रेट है। हम चलते हैं बाइक की तरफ, मोल के ख्याल करवा देता हूँ आपको। ये था मस्जिद मॉल में आए हुए थे अचानक ही यार, बनाया था कि मौसम इधर आज है 1 जनवरी। तो आज मैंने बहुत बड़ा सीन था, प्रोग्राम व्लॉग बनाने का था, लेकिन बारिश आ गई सुबह और मैं उठा भी लेट हूँ। उठने के बाद हम सीधा इधर आए थे, हमें काम है, अर्जेंट काम जाना था, तो इसी चक्करों में पड़े हुए हैं, तो इसलिए नहीं बना सके वीडियो। तो ये वारिस भाई, जानदेव भाई, तो हमने इधर से जूस वगैरह लिया, फ्रेश जूस लिया वो पीते हैं। और ये मस्जिद मॉल था जो देख रहे हैं आप सब, ये मुसफ़ा में है मस्जिद मॉल। तो यहाँ आए हुए थे तो मैंने कहा ये आपसे भी शेयर कर दूं, क्योंकि
आने वाले दिनों में मैंने कहीं और शिफ्ट होना, जहाँ से भाई कहीं और होंगे वारिस कहीं और होंगे, तो सोचा ये आज की ये जो मेमोरी है इसको सेव किया जाए, तो इसलिए मैंने सेव किया है। आज है 1 जनवरी 2022, आज नए साल का पहला दिन है, तो पहले दिन में ये छोटा सा व्लॉग बनाया है, ये याद रहेगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। तो दोस्तों आप ना कमेंट किया करो, दुबई के हवाले से बहुत से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा इंशाल्लाह, स्टे कनेक्टेड रहें, अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। अब तो अब हम जा रहे हैं बस के बस स्टॉप पे, तो बस स्टॉप पे चलते हैं, तो मैं बाहर से आपको नजीब मॉल का व्यू कराता हूँ बस, तो आप वहाँ उस तरफ, तो मस्जिद मॉल का मैं आपको यहाँ से कराता हूँ। ये है कुछ, ये सिग्नल है, तो वहाँ पे वो ये कैपिटल मॉल है ये वाला, तो कैपिटल मॉल से आगे है ये मस्जिद मॉल। मैं दूसरी साइड का हूँ, तो आपको कुछ नज़र आए या ना आए, ये मस्जिद मॉल। तो मैं जा रहा हूँ जहाँ से भाई वाले वो खड़े हुए, उन्हें के पास चलते हैं, हमने मेट्रो में बैठते हैं, हमने जाना है हम अबू धाबी। ऐसा लग रहा है वारिस भाई आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जॉब के लिए सिलसिले से आए, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक कामयाबी अता करे, और सब भाइयों को जो यहाँ पे काम करते हैं अपने प्रदेश से दूर आते हैं, तो वो बड़े यहाँ पे मुसीबतें भी उनके बड़े स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे बैठे पाकिस्तान में लोग सोच रहे थे तो वो बड़े याशी में होंगे, ये होंगे, नहीं मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की रियल लाइफ कैसी होती है, किस तरह लोग गुजारते हैं, बेड स्पेस नहीं मिलती, क्या नहीं होता, किस तरह खाना खाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपनों के लिए। तो अपनों को चाहिए उनके साथ कनेक्ट रहे, अपने उनके रबते में रहें अपने। अब तो दौर यह है कि आप व्हाट्सएप यूट्यूब हर तरफ से अपनों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, तो अपनों को कभी भी इग्नोर ना करें, अपनों से कनेक्ट रहें ताकि उनको महसूस ना हो, और आप वो डबल मेहनत करें और कम टाइम में ज़्यादा कुछ करके वो आपके पास पहुँचें, तो आप उनको सपोर्ट करते रहें, आप उनको टाइम दें, उनको मैसेज करें, उनसे सुने, उनके हाल से वाकिफ़ रहें। हर रात को बड़ी तेज़ बारिश आई थी यहाँ, तो पानी भरा हुआ है, बड़ी तेज़ बारिश आई थी यहाँ, तो ये कुछ हालात हैं ऐसे, बारिश बड़ी तेज़ आई थी। तो ये बस स्टॉप है, तो यहीं से हमने अबू धाबी के लिए जाना है, जहाँ से खड़े हैं। तो दोस्तों अभी हम बस की तरफ जा रहे हैं, बस टर्मिनल स्टॉप पे, तो बस स्टॉप पे चलते हैं, हमने अबू धाबी जहाँ जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल पे जुड़े रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है, और अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहें ताकि मेरा जज्बा बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। तो जुड़े रहें, देखते रहें ATS TLS 917, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।